अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी है और बच्चे भी जाग गए हैं, तो वाओ ब्यूटीफुल। इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 5:12 और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा जो पीछे नज़र आ रहा है, ये वादी नीलम है और दरमियान में जो है दरिया बह रहा है और ये इस वक्त बादलों ने इस वक्त घेर लिया है पूरे इलाके को। बहुत शदीद किस्म की बारिश जो है ना गरज चमक हो रही है, ये ऊपर नज़र आ रही है आपको शायद, रोशनी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है सुबह की और ये बादल जो हैं ये पूरे घेर लिए हैं बादलों ने एरिए को। और ये हमारा इस साइड पे हमारा होटल है, ये हमारे दो रूम हैं, एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला, ठीक है। और ये उस तरफ बच्चे उस साइड पे टेरेस में अपनी गपशप लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये इस साइड में मैं हूँ, ये हमारा रूम है बच्चों का, इसमें डबल बेड है और एक दो चेयर्स इन्होंने साथ दी, टीवी और छोटा सा टीवी है बस, है कि ठीक है बच्चों का गुजारा हो गया है। और उसके बाद वाईफाई है, एसी है जो कि अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ा हमें, लेकिन यह है कि अच्छी रात गुजरी है यहाँ पे माशाल्लाह। ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा है इस होटल में। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि अंदर बैठे बैठ के सुबह सुबह बच्चे जो है ना अंदर से ही व्यू विंडो से करते रहे हैं। तो अभी ये यहाँ से व्यू बाहर का नज़र आ रहा है। अभी मैं बाहर सेकंड रूम जो दूसरी तरफ है, साथ दूसरा रूम है, उसमें डबल बेड और एक सिंगल बेड लगा हुआ है, वो मैं आपको दोबारा फिर दिखा दूँगा। अभी ये नज़ारा है बाहर का इस वक्त, हमारे लिहाज से ये होटल बहुत ही मुनासिब है। मुनासिब से मुराद ये इसमें स्पेस ज़्यादा है, आगे टेरेस बहुत बड़ा है दोनों साइड्स के ऊपर, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई हमें, बच्चे आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि एक रूम दो लगे हुए हैं नीचे हुए हमारे वाले पोर्शन के, एक रूम और लगा हुआ है तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा स्पेस मिल गई है, पब्लिक नहीं है, हम अकेले ही हैं। ये साथ ही मॉस्क है, मस्जिद है साथ में ये, और ये दूसरी तरफ से नज़ारा है होटल का ये हम तकरीबन 4/5 फ्लोर पे हैं, 5th है आई थिंक से। और इस वजह से ये नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ से, हाइट भी होने की वजह से। तो ये कुछ ये पराठे बन रहे हैं जी हमारे लिए कोटा कैफे में, वादी नीलम। बारिश शुरू हो गई है और अभी लगता है कि हमारा बाकी प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, बारिश शदीद किस्म की शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? सफीउल्लाह। ये सफीउल्लाह भाई क्या है दूध पत्ती बना रहे हैं जी स्पेशल किस्म की। कितने से हैं आप? कोटा से। अच्छा, जिला पश्चिम से। जिला पश्चिम जी, कोटा से जिला। ये हमारा मेट तैयार हो गए, नज़ारा। और ये लोहे के पुल के ऊपर हम आ गए हैं, पहले एसी से गाड़ियाँ
चलती थी, अब ये नया पुल बन गया दूसरी साइड के ऊपर, ये नया पुल बन गया साइड पे। यहाँ से दरिया का नज़ारा ज़्यादा कवर होता है, इसलिए हम इधर आए हैं। फोन स्लिप कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह अल्लाह अकबर। ऐसे चलते हुए डेंजरस लग रहा है, ऐसे झूले ले रहा है जैसे पुल। और अभी अगर मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ तो काफ़ी जो है ना फील डेंजरस फीलिंग्स आ रही हैं बहुत। मैं वीडियो एंड तक इसको लेके जाता हूँ, फिर वापस आके रिवर साइड को कवर करते हैं। ये दूसरी साइड आ गई रोड की, ये वाला हिस्सा आ गया एक साइड पे ये, और ये दूसरी साइड दूसरे। एक पुल ये आगे था, ये वाला टूट गया, ये उसकी दीवार रह गई है। वो पैदल के लिए हुआ करता था और ये गाड़ियों के लिए होता था। जो जगह नज़र आ रही है ऐसे पता चला जैसे हार्ट बना हुआ है, पानी इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है और दरमियान में हार्ट सा बना हुआ है। अब यहाँ से कैमरा मेरा मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले पॉइंट पे हमने रुकना था वहाँ से इसको व्यू कराना था, लेकिन वो अब हम आगे आ गए काफ़ी। तो ये ऐसा किसी ने इसको डिज़ाइन किया है कि बीच में वो जो मिट्टी की जगह है ना वो ऐसे बना हुआ है जैसे हार्ट है।